कुणाल की शादी हो रही है भाई, ऐसे नहीं सीधा ऐसे तेज से। हेलो फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आ जाकर न्यू वीडियो के साथ, और आज की वीडियो होने वाली है ब्लॉग। ब्लॉग में क्या होगा वो आप सबको आगे जाके पता चलेगा। उससे पहले मुझे कुणाल भाई कुछ बताना है। हम ऑलरेडी लेट हैं क्योंकि मोहक भाई रेडी हो चुके हैं और हम दोनों रेडी नहीं हुए। पहले काम करते हैं फिर मिलते हैं। भाई तुम जो ऑनलाइन पैसे कमाने के बारे में बताने वाला था। हाँ भाई, मैं तुझे बिनोमो के बारे में बताने वाला था। बिनोमो ये क्या है? बिनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप है जिसमें तू घर बैठे पैसे कमा सकता है। और हाँ, 2021 में इसमें पैसे भी डिपॉजिट करने की कोई जरूरत नहीं है, तू फ्री अर्निंग स्टार्ट कर सकता है। और हाँ, तुझे करना क्या है, बस टूर्नामेंट सेक्शन में जाना है और अपने डेमो अकाउंट से ट्रेड करना है, और इसमें तू जीत सकता है 8,000 से लेकर 2,00,000 के कैश प्राइजेस। बिनोमो एक ऐसा ऑनेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो एक और अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है जिसमें तुम और भी पैसा अर्न कर सकते हो, और ये हिस्ट्री में सबसे बड़ी टूर्नामेंट होने वाली है। 15 जनवरी से पहले साइन अप करो अपने रियल या डेमो अकाउंट से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ वहां से साइन अप करो। और हाँ, अगर तुम मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो तुम्हें फर्स्ट डिपॉजिट में मिलेगा 100% का बोनस। और तू डेमो अकाउंट में थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद सीख जाएगा कि कैसे स्टॉक अप होता है कैसे डाउन होता है। फिर तू बड़ी आसानी से प्रेडिक्ट कर पाएगा कब स्टॉक अप होने वाला है और कब डाउन, और उसी टाइम पीरियड पर तेरी प्रेडिक्शन सही होती है तो तू जीत सकता है 90% अपने इन्वेस्टमेंट का। पर मैं पैसे विड्रॉल कैसे करूंगा? पैसे तू पेटीएम से विड्रॉ कर सकता है जो बहुत इजी और सेफ है। अब ज्यादा सोच मत, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और प्रोमो कोड दिया हुआ है, जा और रजिस्टर कर और अपनी 2021 की ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर। इन्होंने मुझे इतना लेट करवा दिया। इसने नहीं, सबसे मैं लेट करवा दिया कुणाल, और इसकी एक दिन तारीफ कर दी वीडियो में कि ये थोड़ा आलसी नहीं है, ये जस्ट अभी रेडी हुआ। मैं अभी भी रेडी हूं। अभी टाइम हुआ है 1:30 बज गया और 2:30 बजे की मूवी है, और यहाँ से हमें जाने में 40 मिनट लगेंगे, और हमें कुछ खाना भी है, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। ये तो हर बार का डायलॉग है, सुबह से कुछ नहीं, लेकिन सही में नहीं खाया यार। और बहुत टाइम से आप सब कह रहे थे नितेश को कि ब्लॉग बनाओ, तो मैंने इसको बोला आज तू ब्लॉग बना, सब इतना डिमांड कर रहे थे, क्योंकि आज हम जा रहे हैं मूवी देखने। अभी तक हम मूवी देखने नहीं गए तीनों साथ में, और मेरा दोस्त आया था पीयूष, आपने मेरे ब्लॉग में उसको देखा होगा, ये जो ब्लॉग था जिसमें शर्ट शूट पड़ी थी वो वाले ब्लॉग में था ये। तो ये मुझे बोला मूवी देखने चलते, तो मैंने कुणाल नितेश से भी पूछा, मैं कहा देख चलोगे, तो हमारा प्लान बना मूवी देखने का। तो हम मूवी देखने जा रहे हैं, कौन सी है वो, वंडर वुमन। हाँ। तो बहुत मजा आने वाला है। अभी हम घर से निकले, बहुत लेट हो रहे हैं और कुछ खाते हैं सबसे पहले। हम तो रेडी हुए, कुणाल भाई कहाँ हैं? कुणाल भाई रेडी। वॉशरूम में एक बार घुसता है ना तो 1 घंटे बाहर ही बाहर आता है। हमें लगा नहीं था कि हम टाइम पे निकल पाएंगे, बट टाइम पे निकल गए। अभी हमें लगेंगे कम से कम आधे घंटे, बट उससे पहले कुछ खाएंगे। सुबह से कुछ नहीं खाया हमने। जब मूवी स्टार्ट हो जाएगी जब हम एंटर करेंगे, और आज तक का मेरा रिकॉर्ड है मैं कभी भी टाइम पे नहीं गया हूँ थिएटर पे। और कुणाल भाई का मूड खराब है, कुणाल भाई को दे सकते हो। कुणाल भाई क्या हुआ? स्टार की मूवी पहले घर से देख के आनी चाहिए थी आधे घंटे। कुणाल भाई का मूड इसलिए खराब है यार, इतना फनी जोक था, मेरा पेट दर्द हो गया। कुणाल भाई का मूड इसलिए खराब है, कल हम जा रहे मनाली और इन्हें करनी थी शॉपिंग, तो नहीं हो पाई इसलिए मूड खराब है इनका। इनको कपड़े भी धोने हैं, घर आके कर ले वापस, ये तो बहाने हैं। कह रहे थे कि अगर मैं आऊंगा तो सर में दर्द होगा, फिर कैसे होगी शॉपिंग, उसके बहाने हैं, इसके हर बार के होते हैं बहाने, तो इसमें कुछ नया नहीं है। चलो कुछ खा के आते पहले। कुणाल की शादी हो रही है, इतनी टेंशन तो कोई दूल्हा भी नहीं लेता कपड़ों की जितनी ये मनाली जाने की टेंशन ले रहा है। मतलब टेंशन ले रहा है। इसकी शक्ल देखो, नॉर्मली तुम इसकी शक्ल देखते हो, अब इसकी शक्ल देखो ऐसे जैसे यार। मैंने इसे पूछा, एक तो इसकी गंदी आदत है क्या, ये हाँ या ना में जवाब नहीं देगा। इससे पूछा ना मूवी देखने चलेगा, हाँ भी नहीं बोलेगा ना भी नहीं बोलेगा, ये कंफ्यूज करेगा यार। चल पड़ते हैं लेकिन कपड़े भी लाने हैं। दो तरफा ऐसा वो देता है, और ये देखो पैटीज ना कहीं पे भी खा लो, कहीं मर्जी खा लो, लेकिन जो मजा स्कूल में खाने का आता था ना रिसेस के टाइम, लंच टाइम पे, वो मजा कहीं नहीं आएगा, है ना? तो है ही टाइम में तूने स्कूल के बाहर खाता था? नहीं, तू नहीं खाता था। हमारे पैटीज में मिलते थे। क्या मिलता था? समोसा। हम छुप छुप के जाते थे, हम ना स्कूल के बाहर निकलते एंड ऐसे होता नहीं था, अलाउड नहीं होता था हमारे स्कूल में, तुम छुप के से भाग जाके लेके फटाफट अंदर आ जाते थे। बहुत अलग अलग मजे आते हैं यार। इतना खाया नहीं, समोसे खाता था ये, इसको चूरन भी खाते, इसको हम मूवी लेने मूवी देखने नहीं जा रहे, तू शादी करने जाते, तू कपड़े ले तेरी शादी के। सुबह हम जल्दी निकले थे फिर भी लेट हो गए। सुबह तो नहीं, पहली बात तो हम दोपहर पे निकले हैं। कितने बजे निकले थे हम? 1:30 बजे निकले थे, मूवी हमारी है 2:30 बजे, और टाइम खाना खाने में आधा घंटा लगा दिया। हमारे घर के पास ही शॉप थी, और अभी हमें देखो यहाँ दिखा रहा है गूगल मैप, दिखा रहा है 30 मिनट, और टाइम हुआ 2:06, और 2:30 बजे की मूवी है, कार पार्क करेंगे
और भी बहुत चीजें होती हैं। स्टार्ट हो चुकी होगी जब हम पहुंचेंगे लेट ही हो जाएंगे। हमें लगा ही क्या था कंफर्म था हम लेट पहुंचेंगे और लेट पहुंच गए। 10 मिनट लेट है यार, क्या हो गया इतना। मूवी स्टार्ट हो चुकी होगी भाई, स्टोरी समझ में नहीं आएगी। स्टार्टिंग की मूवी उसमें देख लेंगे फोन में, स्टार्टिंग 10 मिनट की फोन में देख लेंगे बाकी। अच्छा मूवी कौन सी देखने जा रहे हैं ये बता दो। अमेरिकन कुछ था, मैं अमेरिकन कुछ था कुछ भी क्या था, वंडर वुमन। मूवी नहीं पता कौन सी देखने जा रहे हैं, ये भाईचारा होता है उसको पता भी नहीं मूवी कौन सी, लेकिन हमारे लिए आया वो। यस इसे कहते हैं प्यार। कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं इसको पता है, भाईचारे में अभी सुन लिया उन्होंने, सुन लिया उन्होंने इसलिए बोला है। ये मोहक भाई है, मोहक भाई की बॉडी ज्यादा बन गई। मैं भी ना जब छोटे में सस्ता हल्क सस्ता भी नहीं, उससे भी गिरा हुआ हल्क लग रहा था। हम लेट हो गए ना इसलिए मैं अजीब लग रही है। कैसी लगी मूवी भाई? मजा नहीं आया। इनको मजा नहीं आया, मेरे को भी मजा नहीं आया। मतलब ठीक थी लेकिन मूवी का लेसन बहुत अच्छा था, मतलब अच्छी थी ठीक थी, लेकिन वो है ना 4DX बहुत अच्छा था, मतलब उसके जो इफेक्ट्स है ना जो हाँ। जब हमारी सीट वो जब ऊपर नीचे हो रही थी, मतलब पूरा जो वो था ना वो इफेक्ट्स बहुत अच्छे थे 4DX में। मैंने फर्स्ट टाइम मूवी देखी लेकिन मुझे 4DX के इफेक्ट्स बहुत अच्छे लगे। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि थिएटर्स ओपन हो गए नहीं हुए, तो थिएटर्स ओपन है हमारा open कैसा था, एक सीट छोड़ के एक सीट बैठे थे। हाँ। और ये ऐसे बेसर में आगे दो सीट पे अलाउड नहीं था, वहाँ आगे हमारे साथ बैठ गए। अबे आगे आगे दूर दूर कर दिया, दूर दूर आया। मोहक भाई गेम खेलने वाले हैं, इसमें करना क्या है, समझ नहीं आई भाई 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 क्यों यूज करता है वाला, करना क्या है उसमें, तीन बोर्ड डालनी है ना, तीन अगर तीनों ऐसे हार के आया अभी, तीनों का डाल दिया तीनों को ये गिफ्ट मिलेगा, फिर इसको रखेंगे बैट पे। नहीं ये हम इतना खेलते हैं लेकिन आज तक नहीं जीते, एक बार जीते थे कुणाल भाई, कुणाल ने जिताया था, कुछ जीता था शायद, पता नहीं क्या जीता था, देखते हैं मोहक भाई जीत पाते हैं नहीं। मैं खेलने वाला हूँ यार, देख मुझे पता है भाई ऐसे नहीं सीधा ऐसे तेज से इससे बड़ा पैसा बर्बाद। पैसे बर्बाद की बात है, मुझे पहले पता था नहीं होगा, लेकिन यार मैं सोच रहा था मैं जीत जाऊं, फिर मैं यार क्यों किसी का नुकसान करना, इसलिए मैं हार गया। मुझे पता अभी इन्होंने भी ट्रायल किया, अभी कुणाल ने भी ट्राई किया, इसने भी किया, उन्होंने किया उनके तीनों अंदर चले गए यार। टैडी किसी काम के नहीं थे, बेकार बेकार टैडी थे, रहने दे बस, छोड़ो ना बस 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 उनके पीछे यार। लेकिन मजा आता अगर जीत जाते तो, और कोई गेम खेलने के लिए है ही नहीं, वो उस साइड वो बच्चों के लिए है, वो छोटे छोटे बच्चों के लिए भाई, वो बहुत छोटे बच्चों के लिए, वो तो खेलेगा वो छोटी सी गाड़ी पे कैसे बैठेगा जान। खाई अभी खाई थी लेकिन हमने नहीं खानी। कुणाल अभी नेल्स एक्सटेंशन करवाने जा रहा है, मैंने इसको बोला क्यों, कहता रिश्ता वही सोच नहीं, कहता मनाली जाना है तो बर्फ उठाने में मजा आएगा, बट इसको समझ नहीं आ रहा है, इसको कोई समझाओ भाई, नहीं वो बर्फ के लिए अच्छे नहीं है तो वो प्रॉब्लम होगी, कहता छोटे छोटे वाले करवाऊंगा, ले मैं तो ले चलूंगा तुझे, आ जा चलो जाएगा, चलो नेल एक्सटेंशन करवाता हूँ तेरे भैया, लड़कों के नेल एक्सटेंशन हो जाएंगे, इसने करवाने हैं, जा हाँ चलो दिखा कौन से वाले भैया, चार्ट दिखा ना कौन भैया महंगे वाले, मतलब उसकी शेप दिखा दो, कुछ अलग अलग टाइप की शेप आती है ना, वो देखो चार शेप्स हैं, कौन सी चाहिए तुझे, सही में करवाऊंगा मजाक से, हाँ ठीक है चल 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 कोई से भी चलेगा अपने, ठीक है कितनी देर में आए भैया, कितनी देर वेटिंग है, एक घंटे अब नहीं करवा, क्यों कहीं और से करवाता हूँ, चलो ठीक है। जैसा कि मैं आप सबको बता चुके ऑलरेडी कि कल हम मनाली जा रहे हैं, तो हमें बाय कार ट्रैवल करना है, तो उसमें ये यूज हो सकता है, कुणाल भाई तो इसलिए कह रहे हैं मेरी गर्दन टेढ़ी है इससे सीधी हो जाएगी। मॉल के बाहर निकले ना, यहाँ इतनी सारी ये शॉप्स, मतलब छोटी छोटी शॉप बनी हुई है, और मजा लो किसी पे भी लड़कों का सामान हो, सब लड़कियों का सामान, मतलब हम लड़के भी खरीदते हैं यार, हमारे लिए भी दुकानें होनी चाहिए, कुछ नहीं है ये देखो लड़का,
ये सारा लड़कियों का सामान है। मोहक भाई को कुछ पसंद नहीं आया, ये कह रहे मुझे ये लेना है। हाँ यार क्या करोगे इसका, लड़कियों वाला है भाई। अरे मोहक भाई ले लो, जबरदस्ती जिद कर रहे हैं, जबरदस्ती ले लूंगा। क्या हो जाएगा पहन लो, अभी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अभी, क्या लेना है, लेना है अब, कह रहे नहीं लेना। क्या हो जाएगा, अच्छा ले भी लिया, पहन भी लिया, खुद कह रहा मिलूंगा। कोई नहीं, कहना पड़ रहा है, शर्मा रहे हैं, शर्मा रहे हैं। यार पीयूष ना इतना डाउन टू अर्थ है, मतलब हम गाड़ी पे आए लेकिन कहता मैं ऑटो पे घर जाऊंगा। यार इस पे कह रहे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, और कहता खुद चला के जाऊंगा। हम आए कुछ खाने, बिकॉज हमें लगी है बहुत तेज भूख, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, मुझे आ रही है नींद। तो मूवी देखने के बाद थोड़ा थोड़ा था, और ड्राइव करने के बाद तो मेरी हालत बेकार हो गई, मुझे नींद आ रही है। लास्ट टाइम बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। और यार एक चीज आजकल की, आज जल्दी सामने हो जाती है आजकल। हाँ अगर तुम दिन में 12 बजे उठोगे 2 बजे रेडी हो गए तो सही है, क्योंकि हम उठते बहुत लेट है। नहीं तुम भी, मैं जल्दी उठा हूँ, मैं 2 दिन से जल्दी उठ रहा हूँ। ये सुबह 9 बजे 5 से 8 के बीच उठते हैं, फिर सो जाते हैं। मैं उठता हूँ, तुम्हें देख क्या आलस आ जाता है, ये ऐसे, ये सबसे सबसे आलस है सबसे, इसलिए कॉपी पे लिख के दे सकते हैं हम दोनों। सबसे पहले मैं उठता हूँ। हाँ मुझे पता है, सबसे पहले ये उठते हैं सुबह, फिर सो जाते हैं, फिर हमारे बात होती है। ये सोए होते हैं, इनको उठाने का मन नहीं करता, क्यों नींद खराब करनी, किसी इंपॉर्टेंट काम होता है जब उठाता हूँ। समझ रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ मैं। यार जब कुणाल मुझसे पहली बार मिला था सेम ऐसा लगता था, मतलब इसका ट्रांसफॉर्मेशन देख लो, इसके ट्रांसफॉर्मेशन पे एक वीडियो बननी चाहिए, कैसे इसने जानवर से इंसान में। कुणाल देखो गाइस, पता है जानवरों के साथ रह रहे कि मैं जानवर हो चुका हूँ, पहले ठीक था बट अब इसके ऐसा हो गया। तो ये नितेश भाई की फेवरेट जगह है, और ये फेवरेट मोमोज पता है, हम तीनों ना इतना सोचते हैं कि हम अच्छे से जिम करेंगे, लेकिन शेड्यूल ऐसा हो जाता है। अब मनाली जाने कल, तो मनाली जाने तो हम सोच रहे 2 दिन जिम करें, क्या हो जाएगा। अब आएंगे कुछ काम हो जाएगा, फिर 15 दिन आने के बाद तो भाई मैं कह रहा जिम के सारे डंबल हिला देंगे। अब तो हंसी आती है, सोचा तो मुझे भी अपने ऊपर, लेकिन हमारे में डेडिकेशन पूरा है, हम मतलब करते हैं अच्छे से जिम, लेकिन मजबूरी कुछ काम, बट कुछ काम आया, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ होता रहता है। मैं कह रहा हूँ कि जिम चले जाओ, मैं इनको प्रॉमिस कर रहा हूँ, साथ जाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ मेरे को जिम की, एक तो पहले ये शोरमा बन रहा है, मेरा मन नहीं है, मतलब मन है मनाली जाने का, लेकिन फिर भी मैंने कहा तुम चल जाओ, क्योंकि मैं जिम करनी है पीछे से और सब चीज़ें। हम तो चले भी गए, ये जाते ही नहीं कभी कभी, तो कहाँ नहीं जाते जिम। तो गाइस बात ऐसी है, मैं तो वीडियो शूट करने पर लगा हुआ, सारे मोमोज खा गए, मोमोज खाने के बाद मिलते हैं। इन्हें भी वीडियो में आना, तो मार क्यों रहे भाई, ऐसे आ जाओ वीडियो में। नहीं नहीं मैं अब इसको भेजूंगा, सही है, सही है। मैं वीडियो स्टार्ट करने गया था, ये आगे पीछे से मार क्यों रहे हो, लेकिन तुम मार क्यों रहे हो मुझे, एक दौर वीडियो में आते रहो, किस थोड़ी रहा हूँ मैं, फोटो पहुंच जाएंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे हम तुम्हें फोटो, ठीक है। अब हम जा रहे हैं कुणाल भाई की अच्छी सी नींद, लेकिन घर जाके नींद नहीं आएगी, घर जाना ही नहीं, अभी इनकी शादी की शॉपिंग करनी है। हाँ इनकी शादी की, ये ऐसे इसने वो कर रखे भाई, कुणाल क्यों भोग रहा है, ये मास्क लगा के देखो कैसी बातें निकाल रहा है। अब हम शॉपिंग करने जाएंगे, और आप लोगों ने ब्लॉग में एक चीज नोटिस की होगी, ये तो इनका छोटा भाई निकला है, ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरे बराबर होना की, मतलब मेरे बराबर होना। चलो चलो कोई नहीं, सुनना तो वीडियो यही एंड करते हैं, वीडियो को यही एंड करते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरा चैनल है ये, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।